दिल्ली के मशहूर चूरचूर नान सुने आपने, वो यही मिलता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो यार कहीं पर निकलने का मेरा जो प्लान बन रहा है ना, तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने बाइक के टायर जो है वो ठीक करा लूँ, क्योंकि हो सकता है इस बार मेरी वाइफ भी मेरे साथ में जाए। तो मेरी बाइक के जो टायर हैं वो बिल्कुल नए हैं और उसके बावजूद भी ना उनमें दोनों में ही आगे पीछे दोनों में ही हवा निकल रही है। तो मैं डीलर के पास जा रहा हूँ आज, बड़े दिनों बाद उनसे टाइम मिला है तो आज उनके पास जा रहा हूँ। उनका इंजीनियर जो है वो टायर्स को चेक करेगा। टायर्स में हो क्या रहा है पता है क्या, 2-3 दिन के अंदर ही ना हवा 20-20 पॉइंट कम हो रही है। तो मैंने सोचा कि यार एक बार ये दिखाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लंबे ट्रिप पर जाने से पहले। तो अभी बस लंच करते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया, लंच करके चलेंगे और बताता हूँ क्या क्या हो सकता है क्योंकि दोनों टायरों में दिक्कत है। तो लंच में है मूली की भुजिया, रोटी और दही। तो भाई साहब अपना जो खाना है वो पूरा नहीं होता जब तक ठंड में हम लोग गाजर का हलवा ना खा लें। ये रहे मेरे पुराने टायर्स, ये मैंने रख लिए थे, आज ये काम आएंगे। सो गाइस निकल गया हूँ मैं घर से, 1:53 हो रहे हैं और पेट्रोल की टंकी उससे पेट्रोल की भीख मांग रही है। तो अभी डलवाते हैं आगे जाके। साथ ही में जो मेरा माइक है ना, जब मैं गिरा था लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था कसोली मनाली की ट्रिप पे, तो गिर गया था तो तार थोड़ी सी मुड़ गई थी। जाहिर सी बात है इस तरफ से तार मैं गिरा था इस तरफ को, तो मतलब माउंट भी टूट गया था मेरा, जे माउंट जो था वो टूट गया था और हेलमेट पे भी स्क्रैच आ गए थे। और ये रास्ता, अरे यार ये रास्ता जा रहा था वैसे तो, बट आगे से भी है। दिल्ली के मशहूर चूरचूर नान सुने हैं आपने, वो यहीं मिलता है नेहरू प्लेस के रास्ते में, यानी कि ये जो मूलचंद है, मूलचंद के मेट्रो स्टेशन के नीचे। शाह जी एक सेकेंड, बसेस ही बसेस, ओहो हो फंसा दिया अंदर, खड़ी कर दे उसके साथ। हाँ घेर ले, पूरा रास्ता घेर ले भाई। हाँ यार कैसे लोग होते हैं। पीछे से हॉर्न पे हॉर्न आ रहे हैं पर मजाल क्या जो फर्क पड़ जाए इनके ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मेरे शेर, यूलू पे यूलू, यूलू नाम देखो यूलू। और इलेक्ट्रिक साइकिल है शायद ये, बट हाँ छोटे मोटे काम के लिए ठीक है। आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए चीज़ ठीक है। तो ये रहा, पहुंच गया मैं। ये ओहो मैं तो बिल लाना भूल गया यार इनका, कोई बात नहीं। ले आए सर, अच्छा चले गाइस, थोड़ा सा वेट करने बोला है भाई ने, इन्होंने तो वेट करते हैं। देखो जी, ये निकल रही हवा यहाँ से। एक बार इसकी नलकी भी देख लेना। तो ये अब फ्रंट वाला चेक हो रहा है। वैसे निशान होगा चौक का ना, पहले ही लगवा लिया था मैंने। टायर जो है वो फिक्स कर रहे हैं वापस, और ये एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा था जिसकी वजह से टायर जो है लीक कर रहा था, देख रहे हो। चलो ये तो हो गया रियर का, अब आगे का देखते हैं आगे में क्या प्रॉब्लम है। इसमें क्या था? कुछ नहीं भाई, रिम की क्लीनिंग सही नहीं हुई होगी। सही आप हो गया सही, बस भाई रिम क्लीनिंग का इशू और कुछ। मैंने आपको तब भी बोला था आप रिम्स खुलवा लेना कहीं से एक बार। चलो गाइस दोनों टायर जो है वो फिक्स हो रहे हैं, फिक्स हो गए मतलब एक तो हो गया, एक हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या थी, बस छोटी छोटी सफाई की दिक्कत थी, रिम में सफाई नहीं करी थी। और यहाँ पीछे जो है छोटा सा रबड़ का टुकड़ा था जिसकी वजह से हवा लीक हो रही थी, देख रहे हो, छोटी सी चीज़ से भी हवा लीक हो सकती है। तो थैंकफुली टायर्स का जो काम है वो हो गया है। मुझे लग रहा था कि ये टायर जो है सबमिट करेंगे, इसलिए मैं अपने पुराने टायर्स ले गया था क्योंकि लीकेज जो है वो दिखा रहा था मुझे, तो इन्होंने ठीक कर दिया है। दो लीटर तेल आया है 190/82, ठीक है जी, 2 पॉइंट बढ़ गए। तो अभी वक्त आ गया है इन टंगे हुए गियर्स को उतारने का और एक नए सफर पे निकलने का। और लास्ट टाइम जब मैं सफर पे जा रहा था अपनी बाइक से तो मैं गिर गया था यार। और हाँ, अब मैं DGCA अप्रूव्ड ड्रोन पायलट बन चुका हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी वीडियोस बनाने में, ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने में, सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में। तो वेट रहेगा मुझे भी अपने वीडियोस का, जल्दी से जल्दी आपको दिखाऊँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।